अगर आप जीवनसाथी.com पर अपनी बेटी के लिए सुंदर व योग्य वर तलाश रहे हैं तो सावधान हो जाइए। यह खबर आपके लिए है क्योंकि इन दिनों शादी के नाम पर धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही मामला इंदौर के कनाड़िया थाना क्षेत्र में आया है, जहां जीवनसाथी.com पर एक पीड़िता के साथ 9 लाख रुपए की ठगी हो गई है। तस्वीरों में नजर आ रहा है ये बड़ा ठग है, इसे जरा गौर से देखिए। यह ठग जीवनसाथी.com पर ऐसी महिलाओं को तलाशता है जो शादी करना चाहती है। इस आरोपी का नाम सिद्धार्थ शर्मा है, जो भोली भाली महिलाओं को अपने जाल में फंसाकर उनसे शादी करने के नाम पर लाखों रुपए ठग कर फरार हो जाता था। दरअसल कनाड़िया थाना क्षेत्र की रहने वाली फरियादिया ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके साथ जीवनसाथी.com पर एक युवक सिद्धार्थ शर्मा मिला था, जिसके साथ वह शादी करने का वादा किया करता था और शादी के नाम पर आरोपी ने कई किश्तों में उससे 9 लाख रुपए ले लिए और फरार हो गया। अपने आप को ठगी महसूस करने के बाद महिला ने पुलिस की शरण ली और पुलिस ने भी मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। आरोपी के मोबाइल लोकेशन व बैंक ट्रांजैक्शन के आधार पर पुलिस आरोपी तक पहुंच गई, जिसे एक योजनाबद्ध तरीके से इंदौर से ही गिरफ्तार कर लिया। यह आरोपी वाराणसी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, जो महिलाओं के साथ लगातार धोखाधड़ी कर रहा था। सर, एक शादी का जैसा देकर आरोपी लगातार धोखाधड़ी कर रहा था, कहां से पकड़ा गया है, क्या नाम है उसका? फरियादी द्वारा एक लिखित शिकायत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, कि जिसमें उसके द्वारा बताया गया था कि वाराणसी उत्तर प्रदेश निवासी सिद्धार्थ शर्मा के द्वारा जीवनसाथी.com के माध्यम से उस फरियादी के साथ दोस्ती की गई और शादी का जो है झांसा देकर उससे करीब 9 लाख रुपए और सोने की अंगूठी एवं कुछ सामान जो है उससे प्राप्त कर अवैध लाभ प्राप्त कर उसके साथ ठगी की गई, धोखाधड़ी की गई है। रिपोर्ट पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और एक विस्तृत प्लानिंग और वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में जो है आरोपी को प्लानिंग के तहत इंदौर से पकड़ा जाकर उसे विधिवत गिरफ्तार किया गया। सर, और भी कई पूछताछ में बात सामने आई है और भी लोगों से जी इसमें कुछ अभी पूछताछ की गई है और एक दो नाम और जो है जो इसमें महिलाएं जो शिकार हुई है इसका उनका निकल के बाहर नाम आया है, जिनसे जिन्हें भी थाने पर बुलाकर पूछताछ कर उनकी मदद की जा रही है। फिलहाल आरोपी से और भी पूछताछ की जा रही है, जिसमें और भी खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। इंदौर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट।